खैरवा थाना क्षेत्र के बरासो नहर पुल के समीप बुधवार की देर रात दो बाइकों की भीषण टक्कर में पांच युवक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें एक बाइक चालक की मौत घटनास्थल पर हो गई तो दूसरे बाइक चालक की मौत इलाज के दौरान हो गई। पूर्व मुखिया व जेडीयू नेता संजय कुशवाहा और पुलिस के सहयोग से घायलों को रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहाँ घायलों की हालत नाजुक होने पर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहाँ भी घायलों की हालत में सुधार नहीं होने पर दो युवकों को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। इधर थाना प्रभारी राकेश कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई में जुट गए हैं। मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मृतक की पहचान दरौली थाना क्षेत्र के बलहू गांव के स्वर्गीय सुदामा सहनी के पुत्र 50 वर्षीय रामचंद्र सहनी तो मैरवा थाना क्षेत्र के सेवतापुर गांव के स्वर्गीय कृष्णा चौधरी के 19 वर्षीय पुत्र दीप यादव के रूप में हुई है। घायल सेवतापुर के हीरालाल राम के पुत्र रोहित राम, स्वर्गीय हरिशंकर राम के पुत्र राहुल राम और दरौली थाना क्षेत्र के तियर गांव के सीताराम सहनी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार की रात मृतक रामचंद्र सहनी अपने रिश्तेदार सीताराम सहनी को मैरवा रेलवे स्टेशन से रिसीव कर उनके गाँव तियर छोड़ने बाइक से जा रहे थे। जैसे ही बरासो नहर पुल के समीप पहुंचे तो सामने से एक बाइक पर सवार होकर तीन युवक साटा से खाना बनाकर गांव लौट रहे थे। दोनों की बाइक अनियंत्रित होने से आमने सामने टक्कर हो गया, जिसमें एक बाइक चालक की मौत घटनास्थल पर हो गई तो दूसरे बाइक चालक की मौत गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान हो गई। इस हादसे में तीन युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। मौत की खबर मिलने पर सेवतापुर से बलहू गांव तक रात भर चीख पुकार मची रही। इस संबंध में थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में पांच युवकों में दो युवकों की मौत हो गई है, तीन बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। दोनों तरफ से बाइक आ रहा था और उसमें आमने सामने के टक्कर में भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक आदमी डेथ कर गया है, बाकी लोग सीरियस इंजर्ड है। अच्छा, ये जो मैरवा की तरफ से जो बाइक सवार जो जा रहा था दरौली की तरफ, सुनने में आ रहा है कि इस पर जो एक व्यक्ति बैठे हुए थे वो घायल है और जो बाइक चला रहे थे उनकी स्पॉट डेथ यहाँ पर मौत हो गई है। हाँ, उसमें एक आदमी तो उनको हल्का फुल्का चोट है, लेकिन जो बाइक चला रहे थे वही सीताराम सहनी, जिनका घर बलहू है, वो घटना स्थल पर ही वो देख कर गए। रामचंद्र सहनी वो घटना स्थल पर ही देख कर गए हैं और एक आदमी को हम लोग यहाँ से उठा करके रेफरल अस्पताल मैरवा में उनको इलाज कराने के हेतु वहाँ दो आदमी को हम लोग भेजे हुए हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में चले। और तीन ये जो युवक घायल है ये कहाँ के रहने वाले हैं? सेवतापुर के रहने वाले हैं, वो पंचायत सेवतापुर प्रखंड मैरवा पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। कैसा स्थिति है वो इन तीनों युवका का जो एक साथ भी है? एक आदमी की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत सीरियस है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है, पुलिस वाहन से और पुलिस वाहन से उसको हम लोग इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचवा दिए हैं। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? हम अब सरकार से और प्रशासन से अब यही मांग करेंगे कि ये घटना दुखित घटना है, गरीब परिवार है, इसको सहायता राशि मिलना चाहिए। एक्सीडेंटल मामला है, इनको 4 लाख रुपया का सहायता राशि मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति हैं, सहनी जाति से आते हैं, मलाह जाति से आते हैं और वो लोग भी जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी दलित परिवार से हैं, उन लोगों को भी इलाज हेतु सरकार से सहायता मिलना चाहिए। टाइम कितना अभी हो रहा है? अभी तो टाइम हमको लग रहा है कि 10 बज गया। कितने बजे घटना है? ये 9:45 की घटना है। अपना परिचय बता दीजिए। संजय कुशवाहा, जेडीयू नेता, बिहार। ये हमारे ही गांव की घटना है, बलहू दरौली थाना के बलहू गांव की घटना है और हमारे गाँव घर के एकदम सटे हुए रामचंद्र सहनी के घर है और ये अपने संबंधी के ला रहे थे मैरवा से छोड़ने, बॉम्बे से कोई आ रहा था उनको ले जाने के लिए घर छोड़ने के लिए। अभी अचानक दो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में इनका मृत्यु हो गया है और चार व्यक्ति है जो गंभीर रूप से घायल है, जिनका मैरवा अस्पताल में इलाज चल रहा है। निश्चित तौर पर ही दर्दनाक घटना है, ये इसको कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। बाकी मैरवा थाना और स्थानीय लोगों के द्वारा जो सहयोग मदद मिला, हमको भी सूचना हमारे गांव के चौकीदार से मिला है और उसके बाद से हम लोग घटनास्थल पर आए। घटनास्थल पर कागज पत्र बन रहे, इसके बाद से पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया में हम लोग लगेंगे और परिवहन विभाग से और सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना में जो व्यक्ति का मृत्यु हो गया है उसको परिवहन विभाग की ओर से मुआवजा जो नियम है वो मिलना चाहिए और जो व्यक्ति घायल है उसको 50-50 हज़ार रुपया इलाज कराने के लिए तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए। क्या नाम है जो मृतक? रामचंद्र सहनी नाम। और जिनके साथ जो जिनको रिसीव करना है? बाकी लोगों के सौलों के नाम हम नहीं जानते हैं। देखा जा रहा है कि जिले में लगातार जो एक्सीडेंट की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, इस पर क्या प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार की ओर से बार बार इस तरह का डिमांड हर साल चलता है
कि रोड एक्सीडेंट को रोकथाम करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की ओर से भरपूर मात्रा में पैसा भी आता है प्रचार प्रसार करने के लिए। जहां रोड एक्सीडेंट के पॉइंट है, जहां बार बार एक्सीडेंट होता है, उसको रोकने के लिए भी व्यवस्था है। जैसे कि मान ली कोई घटना घट जाती है, कोई हत्या हो जाता है, कोई मर्डर हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए उसमें जो शामिल व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जाता है। रोकने के लिए फिर से घटना ना घटे उसके व्यवस्था किया जाता है प्रशासन की ओर से। बाकी पूरे सिवान जिला में रोड एक्सीडेंट में 60 ऐसे जगह है, हमको जहाँ तक जानकारी कि पूरे सिवान जिले में 60 से अधिक ऐसे जगह है जहाँ बार बार एक्सीडेंट होता है। बाकी परिवहन विभाग की ओर से किसी तरह का उसमें सुधार करने का व्यवस्था नहीं होता है। इसलिए हम परिवहन मंत्री और परिवहन विभाग के जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि जहाँ जाए पॉइंट है, जहाँ जाए घटना के स्थल है, वहाँ रोकने के लिए। अब तो आउट जाड़ा के समय आ रहा है, कुहासा पड़ेगा, लोग के समझ में नहीं पाएगा, तो उसके लिए सारी व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार की भरपूर व्यवस्था है। इसलिए कि सभी लोग आज के डेट में जो गाड़ी कीनते हैं वो टैक्स देने के काम करते हैं, इसलिए कहीं कोई कोताही नहीं होना चाहिए और उसका व्यवस्था होना चाहिए कि ताकि एक्सीडेंट में कमी आ सके। सड़क पर देखा जा रहा है कि आज के समय बहुत से युवा है जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और सड़क पर चल रहा है। देखिए, ये तो पूरा प्रशासन इसमें दिक्कत है, प्रशासन फेलियर है। इसलिए कि जब हम हेमलेट के लिए फाइन मारते हैं तो सरकार को व्यवस्था होना चाहिए, हेमलेट की व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो ये नियम निकाल देना चाहिए कि जिस तरह आज के समय में गाड़ी निकलता है तो गाड़ी के समय में उसका रजिस्ट्रेशन चढ़ जा रहा है कि नहीं चढ़ जा रहा है। उसी तरह गाड़ी जो व्यक्ति कीनता है, अगर से नियम लागू कर दिया जाए कि जो व्यक्ति को गाड़ी कीन रहे वो अपना हेमलेट नहीं लेंगे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जमा करेंगे, जिस तरह आधार कार्ड पैन कार्ड जमा करते हैं तब हमको गाड़ी इशू होता है, उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस का भी नियम बना देना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस जिसको नहीं बनेगा, नहीं लाइसेंस रहेगा, उसको हम गाड़ी इशू नहीं करेंगे, तो हमको लगता है कि बहुत ऐसे एक्सीडेंट में कमी आ सकती है। अपना परिचय बता दें। श्रीनिवास यादव, VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष।